हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैंने आपको दिवाली विश करने के लिए स्पेशली ये छोटा सा वीडियो बनाया है। आप लोग की दिवाली बहुत 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 ज़्यादा अच्छी रहे, आप लोग के परिवार वाले आपके साथ रहें हमेशा। मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा हमेशा आपके साथ हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से, मेरे बच्चों और मेरी मॉम की तरफ से। खूब खुशियाँ मनाएं। मेरी ये दिवाली तो बिल्कुल बेकार है, यूज़लेस है, बिकॉज़ लास्ट ईयर मेरे पापा थे हमारे साथ और इस दिवाली पर मेरे पापा नहीं हैं। तो होप ऐसे किसी के साथ ना हो। कई ऐसी फैमिलीज होंगी जिनमें उनका कोई नया मेंबर होगा उनके साथ, कोई बच्चा या कोई और कई ऐसी फैमिलीज होंगी जिनका कोई अपना चला गया होगा। तो ऐसे बहुत से त्यौहार आते हैं और इनको फेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे भी आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत रहती है हमेशा, बिकॉज़ मेरी फैमिली बहुत छोटी सी है। YouTube पे इसीलिए हूँ, यहाँ पे YouTube पे इसीलिए आई हूँ बिकॉज़ मेरी फैमिली बड़ी हो। मेरे बच्चों और मेरी मॉम के अलावा मेरी लाइफ में और कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड वो दूर रहते हैं बहुत, और एक हस्बैंड अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं और दूर हैं लाइक हम लोगों से, और बहुत टाइम बाद आते हैं, दो दो महीने बाद। और एक हस्बैंड होता है और फ्रेंड्स फ्रेंड्स होते हैं। हर किसी की अपनी अपनी जगह होती है, मॉम डैड की अपनी जगह होती है, तो हर किसी की अपनी जगह है। इस मामले में तो कहना ही बेकार है कि या समझाना ही बेकार है, सबको सब कुछ पता ही है। बस ये है कि मैंने दिवाली पे कुछ भी स्पेशल नहीं किया है, ना ही आप लोगों के लिए कोई तैयारियां की है जैसे बाकी यूट्यूबर्स ने किया है। बिकॉज़ मेरे लिए तो ये साल ही बेकार है। मेरे पापा की बरसी तक हम कोई त्यौहार नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद भी हमारा मन सा नहीं करेगा। बिकॉज़ किसी की फैमिली का जब कोई चला जाता है, कोई खासकर उसके मॉम डैड में से कोई, तो उसके लिए कितना पेनफुल होता है ये मैं ही फील कर सकती हूँ जो इस टाइम कर रही हूँ, या जो लोग के साथ ऐसा हुआ है, या जिन लोग के साथ ऐसा हुआ है वो लोग फील कर सकते हैं। तो बस मैंने इसीलिए कुछ स्पेशल तैयारियाँ नहीं की जैसे कि बाकी और यूट्यूबर्स ने की हैं, या बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया बिकॉज़ मैं इस सिचुएशन में ही नहीं हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरे दिल से बहुत बहुत दुआएँ हैं सबके लिए, मेरे सब फ्रेंड्स के लिए। वो खुश रहे हैं बहुत, उनके साथ उनके सारे फैमिली वाले हों हमेशा, और बहुत सारी खुशियां मिले उन्हें, और पटाखे चलाएं, खुशियां मनाएं, मिठाई बांटें। लेकिन आज के दिन शराब ना पिएं, जुआ ना खेलें, किसी का दिल ना दुखाएं, और हो सके तो जितने भी पटाखे हैं वो साउंडलेस जो मिलते हैं पटाखे, पॉल्यूशन लेस मिलते हैं, अलग अलग तरीके के मिलते हैं, तो उस तरह के पटाखे जलाएँ और खूब खुशियाँ मनाएँ। और मुझे भी आप लोगों की विशेज़ चाहिए कि मैं स्ट्रांग हो सकूं, अपनी मॉम और अपने बच्चों को संभाल सकूं। थैंक यू। और आप लोग प्लीज़ 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 मुझे सजेस्ट करें, कमेंट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। आपको मेरे बैक साइड पे शायद मेरे पापा की फ़ोटोग्राफ दिख रही होंगी, वो वाली फ़ोटो मेरे मॉम डैड की है, उसके बाद ये वाली जो बीच में है इसमें मैं हूँ अपने पापा की गोद में, उसके बाद ये वाली जो है ये मेरा बेटा है मेरे पापा की गोद में, मैं 3 मंथ्स की थी जब उनकी गोद में हूँ, और इसमें मेरा बेटा 4 मंथ्स का है। तो मैं सपोर्ट इसलिए कहती हूँ, मैं सपोर्ट यूट्यूब में पैसे कमाने के लिए नहीं कहती हूँ, मैं सपोर्ट इसलिए कहती हूँ बिकॉज़ मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हों जो मुझे सपोर्ट करें, और पापा के जाने के बाद उनकी कमी तो कोई नहीं पूरा कर सकता, लेकिन मैं स्ट्रांग रह सकूं। बाय।